सत श्री अकाल, मैं अर्पित कौर, तुसी देख रहे हो हमदर्द टीवी। लैके हाजरा पंजाब बुलेटिन। शुरुआत करांगे अज दे मुख सुरक्षियां दे नाल। दलितां दे हक मार रही आ मान सरकार, कमजोर वर्गा तो वापस लईआं सहूलतां, अकाली दल दा वड्डा इल्जाम। अटारी च अकाली दल नूं लग्गिआ वड्डा झटका, कांग्रेस पार्टी नूं मिली मजबूती, कांग्रेस ने मंगी काम दे नां ते वोट। पटियाला च पैरामिलिट्री फौज दे जवान दी मौत, पीएम मोदी दी रैली च सी ड्यूटी, छत तो डिगण कारण हुई मौत। बाजारां च धड़ल्ले नाल विक रहा नकली पनीर, खरीदण तो पहला करो जांच, लोकां दी सेहत नाल कीता जा रहा खिलवाड़। पंजाब नूं भगदी गर्मी तो मिली राहत, राजस्थान च 13 लोकां दी मौत, बिजली दे लगाए जा रहे ने लंबे लंबे कट। ते हुण खबरां विस्तार दे नाल। श्रोमणी अकाली दल दे प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि आम आदमी पार्टी दी सरकार पिछले अकाली दल दी सरकार वल्लों दलितां ते समाज दे होर कमजोर वर्गां नूं दित्तियां सहूलतां वापस लै के उन्हां नाल वितकरा कर रही है। उन्हां ने प्राण लिया कि एक बार फिर सूबे दे विच जेकर अकाली दल दी सरकार बणदी है तां उन्हां दे वल्लों दुबारा तो सारियां सहूलतां लागू कर दित्तियां जाणगियां अतें सारे लोकां नूं उसे तरह ही राशन मिलेगा ते शगन स्कीमां मिलणगियां जिस तरह की पहलां मिलदियां सन। श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार पिछले अकाली दल की सरकार वालों दलितों से समाज के होर कमजोर वर्गों को दित्तियां जाने वाली सहूलत वापस लैके लोगों के नाम वितकरा कर रही है अते उन्हां प्राण लिया कि एक बार सूबे दे विच मुड़ तो अकाली दल की सरकार बनन ते कांग्रेस के आप सरकार वालों बंद कीतियां गईयां सहूलतां मुड़ तो शुरू कीतियां जाणगियां। दस दे कि अकाली दल के प्रधान जिन्होंने कि पार्टी के उम्मीदवार महेंद्र सिंह केपी के हक के शाहकोट नकोदर फिलौर से फगवाड़े के विशाल मीटिंगा संबोधन किया। उन्होंने कहा कि इस पंजाब विरोधी सरकार को दिल्ली तो चलाया जा रहा ASC विद्यार्थियों स्कॉलरशिप नहीं दे रही, तो लड़कियों मुफ्त साइकिल नहीं दे रही, तो ASC से समाज के होर कमजोर वर्गों धीं शगन स्कीम के लाभ नहीं लै पा रही। इसे भगत पूर्ण सिंह मैडिकल बीमा स्कीम बंद कर दी गई है, दवाइया दुकाना ते सेवा केंद्र भी बंद कर दिए गए हैं। सुखबीर सिंह ने कहा कि समय दियां कांग्रेस से आप सरकार ने पंजाब में एक दहाका पिछे तक दिता। उन्होंने लोगों को अपील की है कि सारिया समाज भलाई स्कीम बहाल करने लिए अकाली दल की हिमायत कर। उन्होंने कहा है कि अकाली दल हमायत इस पंजाब विरोधी सरकार को सारिया औरतों एक एक 1000 रुपये देने वास्ते मजबूर कर देगी। उन्होंने ये भी कहा कि अकाली दल की हमायत कर पंजाब अते इसके दरियाई पानी बचाणगे ते चंडीगढ़ के इस दे दावे ते समझौता नहीं हो सकेगा। दस दें कि लगातार ही एक दूसरे ते पार्टियां तंज कसदियां ने, तो सुखबीर सिंह बादल चुप के में रह जाण। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री तो अपने वाहन तो हेठां नहीं उतरदे ते लोगों नूं मिलण दी गल ही छड्डो। इन्हां दे अपने हल्के धूरी दे विच लोगों ने इन्हां दे लापता होण दे पोस्ट लगाए ने। उन्होंने कहा कि यही शो बार बार शहरां दे विच दोहराए जा रहे हैं जिस कारण दुकानदारां ते उन्हां दे व्यापार नूं वड्डा घाटा पै रिहा। ब्यूरो रिपोर्ट, हमदर्द टीवी। लोकसभा हलका अमृतसर तो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार गुरजीत सिंह औजला की चोण मुहिम नूं उस वेले बल मिलिया जो हलका अटारी के पिंड चीता दयाल सिंह की समुची पंचायत श्रोमणी अकाली दल बादल नूं अलविदा कह के कांग्रेस दे विच शामिल हो गई। अजीत सिंह दे गृह पिंड चीता दयाल सिंह विखे मीटिंग हुई। मीटिंग मौके कांग्रेस विच शामिल होने वालों विच कुलबंत सिंह, सुरजीत सिंह कालू हुंदल, हीरा सिंह हुंदल अते कारज सिंह कश्मीर सिंह हुंदल जे गल कर लिए तो होर भी बहुत सारे आगू मौजूद सन अते जिन्हां दे वल्लों शमूलियत कीती गई। लोकसभा हलका अमृतसर तो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार गुरजीत सिंह औजला की चोण मुहिम नूं सवेले वल मिलिया जदों हलका अटारी के पिंड चीता दयाल सिंह की समुची पंचायत श्रोमणी अकाली दल बादल नूं अलविदा कह के कांग्रेस के शामिल हो गई। अजीत सिंह के गृह पिंड चीता दयाल सिंह विखे मीटिंग हुई। मीटिंग मौके कांग्रेस शामिल होने वालों के कुलवंत सिंह, सुरजीत सिंह कालू हुंदल, हीरा सिंह हुंदल, कारज सिंह कश्मीर सिंह हुंदल, बलविंदर सिंह, बलदेव सिंह, तेजपाल सिंह हुंदल, पूर्ण सिंह हुंदल आदि
कई लोग शामिल सन। गुरजीत सिंह औजला वालों शामिल होने ते उन्हां दा धन्नवाद करदिआं यकीन दवाया गया कि पार्टी दे विच उन्हां दा पूरा मान सत्कार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा हर किसी का स्वागत करती है, एकजुट होकर देश के धर्म के नाम की राजनीति करने वालों को बाहर कढ दिता जाता है। गुरजीत सिंह औजला ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा काम के नाँ पर वोट मंगी है, हुण अमृतसर विखे भी किए गए कामों का लेखा जोखा लोगों अगे रखा जाएगा। उन्होंने विश्वास है कि लोग उन्होंने किते कामों देखते वोट उन्होंने पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, हमदर्द टीवी। पटियाला दे विच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली तो बाद आराम करन गए पैरामिलिट्री फौजी बल के एक जवान की छत तो डिगण कारण मौत हो गई। मिली जानकारी मुताबिक नागालैंड का यह सिपाही लोक सभा चोणों लई पटियाला दे विच तैनात पैरामिलिट्री फोर्स की कंपनी नाल आया सी। फिलहाल थाणा बख्शीवाला पुलिस ने लाश का पोस्टमार्टम करवा के लाश वारसां दे हवाले कर दिती है। पटियाला दे विच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली तो बाद आराम करन गए पैरामिलिट्री फौजी बल के एक जवान की छत तो डिगण दे नाल मौत हो गई। मिली जानकारी मुताबिक नागालैंड का यह सिपाही लोक सभा चोणों लई पटियाला दे विच तैनात पैरामिलिट्री फोर्स की कंपनी नाल आया सी। फिलहाल थाणा बख्शीवाला पुलिस ने लाश का पोस्टमार्टम करवा के लाश वारसां दे हवाले कर दिती है। दस दिए कि रैली के मगरों इस बिल्डिंग 85 के करीब जवान रुके हुए थे। जानकारी अनुसार लोक सभा चोणों के मद्देनज़र पटियाला दे विच तैनात उक्त पैरामिलिट्री फौजी बल बख्शीवाला के एक स्कूल के तैनात से। पीएम मोदी की रैली के ड्यूटी देने तो बाद आराम करने लिए वीरवार देर रात स्कूल गए सन, जिथे कि उक्त सिपाही की रात में छत तो डिगण के नाल मौत हो गई। मृतक की पहचान कॉन्स्टेबल जगत सिंह वजो हुई है, जो कि नागालैंड का रहने वाला से। ब्यूरो रिपोर्ट, हमदर्द टीवी। रुख करते अगली खबर का, जिथे कि दुनिया भर के लोग पनीर खाना पसंद करते हैं, खास करके वो लोग जो कि शाकाहारी होंगे ने। पनीर प्रोटीन का एक चंगा अहम स्रोत है, जिमें कि सब जानते ही ने कि अजकल बाजार के असली नालों ज़्यादा नकली पनीर जोड़ा आ मिलता है, जिस कई तरह की मिलावट की जाती है, जिथे कि सीधे तौर पर लोगों की सेहत के न खिलवाड़ किया जा रहा। दुनिया भर के लोग पनीर खाना पसंद करते हैं, खास करके वो लोग जो कि शाकाहारी होंगे ने। पनीर प्रोटीन का एक चंगा अहम स्रोत है, जिमें कि सब जानते ही ने कि अजकल बाजार के असली नालों ज़्यादा नकली और मिलावटी वस्तु उपलब्ध ने। अजकल बाजार के नकली पनीर भी भरपूर मात्रा के उपलब्ध है। अज असी तुहानू अजिहे ट्रिक दसांगे जिस नाल तुसी इसनू आसानी दे नाल जान सकते हो कि पनीर असली है जां नकली, जिथे कि चंद पैसों की खातर लोगों की सेहत के नाल शरम खिलवाड़ किया जा रहा। देखिए, पनीर शाकाहारी लोगों की पहली पसंद है। इस विच प्रोटीन की भरपूर मात्रा होंदी है। प्रोटीन की भरपूर मात्रा होने कारण लोग इस नूं अपनी डाइट में शामिल करते हैं। अजकल बाजारां दे विच नकली पनीर धड़ल्ले दे नाल विक रहा, पर अज तुहानूं दसांगे कि असी असली अते नकली पनीर की पहचान किवें कर सकते हैं। अजिहे विच बहुत सारे लोग जो अनजाणे दे विच नकली पनीर खरीद लैंदे ने, पर तुहाडी जानकारी लई असी तुहानूं दस दईए कि नकली पनीर सेहत लई बहुत ही खतरनाक होंदा है। जेकर तुसीं इह देखना चाहुंदे हो कि पनीर नकली है जां फिर असली, तो तुसी सोयाबीन की वरतों कर सकते हो। इसके लिए एक बर्तन के पानी गर्म करो और उस पनीर के टुकड़े पाओ, फिर इस सोयाबीन पाउडर मिलाओ। जेकर पानी का रंग लाल हो जाए तो समझ लेना कि पनीर नकली है। कई बार पनीर के डिटर्जेंट और यूरिया की मिलावट की जाती है। जेकर तुसी नकली पनीर का पता लगाना चाहते हो तो तुसी इसका रिबिंग टेस्ट भी करवा सकते हो। इसके लिए तुसी पनीर नूं अपनी उंगली के नाल मसलन की कोशिश करो। जेकर पनीर नकली है तो यह टुट जाएगा। इस स्कीमड मिल्क पाउडर भी मिलाया जाता है। सो इस तरह नकली पनीर तैयार कर करके लोगों पागल बना के उन्हों तो पैसे ले जा रहे हैं। एक पास ये कह सकते हैं कि लोगों की सेहत के न सीधे तौर पर खिलवाड़ किया जा रहा है। लगातार कई थावां ते सेहत विभाग के वलों छापेमारी भी की जाती है, इन्हों समझाया भी जाता, पर फिर भी बहुत सारे लोग अजिहे होंगे ने जो कि अपनी हरकतों तो बाज नहीं आते। फिर रिपोर्ट, हमदर्द टीवी। हुण नज़र मारदे आं अगली खबर ते, जिथे कि पंजाब दे लोकां नूं भखदी गर्मी तो कुछ पलां दी राहत मिली है। दस दिए कि तेज तूफान आते बारिश नाल कई सूबियां दे विच मौसम ने करवट लई है, जिस कारण आम लोगों सुख का सह आया। जिथे कि पंजाब दे कई जिलों दे विच तेज तूफान आते बारिश कारण लोगों राहत मिली है, उत्थे ही कई सूबियां उपर अजे भी गर्मी अपना कहर दिखा रही है। पंजाब दे लोकां नूं भखदी गर्मी तो कुछ पलां दी राहत मिली है।
ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਤੇਜ਼ ਤੂਫਾਨ ਅਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਨੇ ਕਰਵਟ ਲਈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਆਇਆ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਤੂਫਾਨ ਅਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਉੱਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਗਰਮੀ ਆਪਣਾ ਕਹਿਰ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ नौ तपा शुरू है यह 2 जून तक जारी रहेगा इस समय के दौरान तापमान 49 डिग्री सैलसीयस तक जा सकता मौसम विभाग के शनिवार दिल्ली राजस्थान मध्य प्रदेश गुजरात पंजाब और हरियाणे लिए लाल चेतावनी यानी कि रैड अलर्ट जारी किया है हालांकि पंजाब के बीती रात लोगों को भयानक गर्मी तो राहत मिली है शुक्रवार को उत्तरी भारत के तापमान वधेरे 49 ते घट तो घट 31 डिग्री सैलसीयस सी राजस्थान के गर्मी कारण मां पुत की मौत तो बाद गिनती 13 बढ़ गई है इस इलावा गेवार तो हैदराबाद नू इंडिगो फ्लाइट 1 घंटे देर न चली यह दसिया जा रहा है कि उच्च तापमान के कारण इंजन प्रतिबिंबित मोड़ दे विच चला गया भोपाल के शुक्रवार को 43.7 सैलसीयस तापमान दर्ज किया गया दूजे पास कश्मीर घाटी के तापमान के वाधा होया श्रीनगर मौसम विभाग ने कहा कि 23 मई को वध तो वध तापमान 32.2 डिग्री सैलसीयस दर्ज किया गया मौसम विभाग ने उत्तर पूर्व के कई राज्यों के भारी बारिश को लेकर चेतावनी जारी की है IMD ने 27 और 28 मई को नागालैंड मणिपुर मिजोरम त्रिपुरा में भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है दस दिए कि गर्मियों के बिजली की बढ़ रही मांग के कारण घाट भी शुरू हो गई है तो दस दिए कि लगातार बढ़ रही गर्मी ने इस बार सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं जिथे कि लोग हुण घर तो बाहर निकल तो डरते हैं क्योंकि गर्मी इन्नी ज़्यादा पै रही है जिस करके लोगों की चमड़ी तक सड़ रही है इतों तक कि कई थावां दे विच लोगों की मौत भी हो गई इस गर्मी के वधन के नाल अते तापमान भी पूरा हाई ते चल रहा है जिस करके लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पै रहा ब्यूरो रिपोर्ट हमदर्द TV पंजाब बुलेटिन के फिलहाल दे लई इन्ना ही मैनू दिओ इजाजत धन्यवाद